फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग देखेंगे मुंगेर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पोर्टल को कैसे लॉगिन करते हैं। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 2020 सेशन पार्ट वन वाले हो या 19-22 सेशन 2000 ये पार्ट टू वाले हो। वो लोग तो सीख चुके हैं, जिनको नहीं आता है फिर भी सीख लीजिएगा। 2021-24 वाले भी देख लेंगे जैसे, ताकि आपको भी स्टूडेंट पोर्टल लॉगिन करने आए और स्टूडेंट पोर्टल में क्या चल रहा है वो दिख जाए आपको। स्टूडेंट पोर्टल पे सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, आपकी रजिस्ट्रेशन हुई या नहीं हुई, आपके पार्ट वन में कितने मार्क्स आए हैं, पार्ट टू का मार्कशीट कैसा है, या आपने एग्जाम फी फिलअप किया या नहीं किया, सारा इन्फॉर्मेशन रहता है। इसलिए आप लोग सभी लोग अच्छे से देखिएगा इसको, आप लोग समझ जाइएगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपना ब्राउजर को ओपन कीजिएगा, गूगल या क्रोम जो भी है उसे ओपन करने के बाद यहाँ पे मुंगेर यूनिवर्सिटी सर्च कीजिएगा। मुंगेर यूनिवर्सिटी सर्च करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक कॉलम आएगा। ये देखिए, ये जो इमेज है बिल्डिंग का, इस बिल्डिंग के नीचे आने के बाद यहाँ पे ब्लू कलर का ये जो है इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करें, आपको आपके पास एक नया आइकन खुल के आएगा, थोड़ा वेट कीजिएगा। फिर नया आइकन खुल के आया, देखिए ऐसा ऐसा आइकन खुल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो नीचे हम लोग को दिख रहा है व्हाइट में लिखा हुआ, इसको ऊपर आप स्क्रॉल कीजिएगा। ऊपर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे एक क्लोज का ऑप्शन आएगा, इसे क्लोज करना होगा। तो देखिए, ऊपर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन आया, तो इसको पहले सबसे पहले क्लोज करना होगा। फिर क्लोज पे क्लिक करते ही, जब आप लोग क्लोज पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए ये थ्री लाइनिंग आपको दिखाई दे रहा होगा, ये थ्री लाइनिंग इस पर क्लिक करना होगा आपको। इस थ्री लाइनिंग पे हम लोग जाके क्लिक करते हैं, देखिए इस थ्री लाइनिंग पे क्लिक करते ही आपके पास ऐसा ऑप्शन खुल के आ जाएगा, ऐसा ऑप्शन। तो इसको स्क्रॉल कीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जाना है हम लोग को एडमिशन लॉगिन पे। तो एडमिशन लॉगिन आपको जैसे ही मिलेगा तो वहाँ पे यहाँ पे क्लिक करेंगे आप एडमिशन लॉगिन। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एडमिशन लॉगिन, तो इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तीन कॉलम खुल के आएगा। यहाँ पे एरो पे क्लिक करने के बाद देखिए स्टूडेंट लॉगिन, एडमिन लॉगिन और कॉलेज लॉगिन। ये कॉलेज वाले लॉगिन कर सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी का एडमिन लॉगिन कर सकते हैं, ये स्टूडेंट लोग लॉगिन कर सकते हैं। तो हमें जाना है स्टूडेंट लॉगिन पे, तो स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करके थोड़ा एक सेकंड दो सेकंड वेट कीजिएगा, फिर आपके पास ऐसा खुल के आ जाएगा जहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन आईडी, जो रजिस्ट्रेशन के समय आपका एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड बन गया होगा, ये एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हम तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे MU का यूजर आईडी एक स्टूडेंट का और पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया, और इसे प्रेस करने के बाद तुरंत बाद यहाँ पे देखिए लॉगिन है, लॉगिन पे आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जिनको ये याद है, जिनको पासवर्ड याद नहीं है वो फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं, इस पर भी एक वीडियो बना देंगे। तो लॉगिन पे क्लिक करते ही देखिए हमारे पास क्या खुल के आएगा। तो देखिए लोग यहाँ पे क्लिक करते ही आपके पास ऐसे आ जाएगा, सारे डिटेल आपके आ जाएंगे। देखिए इस कैंडिडेट का डिटेल आ गया कि कॉलेज फीस भरने से पहले फॉर्म वेरीफाई करवाना है, UG पार्ट टू का स्टूडेंट है, नीचे इसका एग्जामिनेशन बेसिक, आपके डिटेल सारे आ जाएंगे, कौन सा कॉलेज है, कौन कौन सा ऑनर्स ले रखा है, ये सारा डिटेल आ गया। यहाँ से हमको जाना है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन पहले रजिस्ट्रेशन के समय करवा चुके हैं, तो यहाँ पे ग्रीन टिक है, नहीं होगा तो आपका रेड टिक होगा। फिर ये पेमेंट फी फिल कर दिए तो ये रेड टिक होगा यहाँ पे। साथ ही साथ जो लोग नया प्रिंट आईडी कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं आप प्रिंट योर आईडी कार्ड, यहाँ से आईडी कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप लोग रजिस्ट्रेशन स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं क्लिक हेयर करके। इंपॉर्टेंट, अब हम लोग जाते हैं मार्कशीट कैसे डाउनलोड करेंगे। तो देखिए ये थ्री वायल आइकॉन यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए। जैसे ही क्लिक करते हैं हम लोग के पास ऐसा तीन कॉलम खुल के आएगा, एक डैशबोर्ड, एक पर्सनल डिटेल, एक रिजल्ट। तो रिजल्ट पे क्लिक करेंगे और आपका रिजल्ट दिख जाएगा, यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे देखिए रिजल्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ऐसा ये कॉलम खुल के आएगा, एक एग्जाम टाइप, एक सेलेक्ट ईयर। तो एग्जाम टाइप में एग्जाम टाइप मेन एग्जाम सेलेक्ट करना होगा आपको, यदि बैक एग्जाम है तो बैक एग्जाम सेलेक्ट करना होगा, और सेलेक्ट योर स्ट्रीम, तो इनका पार्ट टू का, पार्ट वन का आप डाउनलोड करना है तो पार्ट वन क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे व्यू रिजल्ट देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए सारा डिटेल आ गया आपका, यहाँ पे सारा डिटेल आ जाएगा। उसके बाद इस तरह से इनका मार्कशीट आ गया कि किस में कितना नंबर लाया है, कैसे है, तो इस तरह से सारा डिटेल आ गया। इन्होंने 500 में पार्ट वन में 275 मार्क्स लाया था और ये पास थे, पूरी तरह से प्रमोट नहीं थे। इसी तरह से फिर पार्ट टू का डाउनलोड करने के लिए आप देखिए, फिर यहाँ पे सेलेक्ट ईयर में आप पार्ट टू सेलेक्ट कीजिएगा तो पार्ट टू का भी दिख जाएगा आपको। यहाँ से पार्ट टू सेलेक्ट कर लिया, पार्ट टू सेलेक्ट करने के बाद ये व्यू रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, वैसे ही पार्ट टू का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये पार्ट टू का पूरा डिटेल्स रिजल्ट दिख जाएगा आपको, और यहाँ पे पार्ट टू में इन्होंने 500 में 384 मार्क्स लाया है और 85% एग्रीगेट इनका मार्क्स बना है। तो इस तरह से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं, और यदि प्रिंट करना होगा आपको तो यहाँ पे देखिए नीचे में ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा तो प्रिंट का ऑप्शन आएगा, प्रिंट कीजिएगा और गूगल ड्राइव में आप सेव कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप पार्ट वन पार्ट टू दोनों का देख सकते हैं, साथ ही आप
ये आईडी कार्ड प्रिंट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट कर सकते हैं, और कोई भी फिर भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। और पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी पार्ट वन का 2020-23 वाले के लिए मार्कशीट नहीं आई है, इसलिए मार्कशीट उनका नहीं दिखेगा। जैसे ही मार्कशीट स्क्रूटनी का रिजल्ट आता है वैसे ही मार्कशीट अपलोड हो जाएगा, और रिजल्ट आ जाएगा फिर आप लोग का मार्कशीट अपलोड हो जाएगा, फिर आप लोग देख लीजिएगा। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। जय हिंद, जय भारत।